नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बाल कल्याण पॉकेट NIT फरीदाबाद, और आप समझें यही जो जगह है आपको दिखाएंगे आज, ये फिलहाल हरियाणा की विधानसभा में ये मसला गूंज रहा है। विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है। इस सड़क के, इस गली के, इस पूरे पॉकेट के जो हालात हैं उनको लगातार विधानसभा में उठाया जाता रहा है। एक वो बेटी ने यहाँ इस गली के बारे में, इस जगह के बारे में ट्वीट किया था जब उनकी शादी हो रही थी, और उन्होंने कहा था क्या ऐसी जगह से मेरे जो बारात में लोग आएंगे वो ऐसी जगह से आएंगे। आप देखें, बिजली का खंभा देखें, बिजली का खंभा सड़क पर डाल दिया गया है। एक बार वो बिजली का खंभा भी दिखा दें, ये दिखा दें, ये बिजली का खंभा यहाँ पड़ा है। हो सकता है ये विभाग के पास इसे रखने की जगह ना हो। और तमाम आप देखें, आज इस गली से लगातार फोन आते थे, लगातार बहुत बुरे हालात हैं सर यहाँ। सर बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चाहे हम कितना भी कुछ कह लें, कितना भी प्रदर्शन कर लें, हम चाहे हम कितना भी कुछ कह लें, कोई विधायक नीरज शर्मा ने इस मसले को विधानसभा में उठाया है, लेकिन सर वो अपोजिशन का, विपक्ष का MLA होते हुए कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी गुजारिश है कि कृपया। क्या नाम आपका? मनोज कुमार गुप्ता सर, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, और वो कह रहे हैं इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको दिखाएंगे फरीदाबाद, वो जगह दिखाएंगे जहां हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, वो जगह आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप नालियों के हालात, यहाँ देख सकते हैं नालियों के हालात, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें फरीदाबाद, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं यहाँ, पूरी गली के हालात ठीक नहीं है। सर, गली के हालात ठीक होते तो हम मारे मारे नहीं फिरते। आज हम नगर निगम कम्प्लेक्स कहाँ कहाँ जाके हमने वो कर चुका, कंप्लेन कर चुकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। टैंकर कभी कभी आता है, पानी खींचता है, लेके चला जाता है। सुबह सुबह स्टूडेंट, स्कूल वाले बच्चे इतने परेशान होते हैं। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता जी, विधायक ने, अभी विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है, फेसबुक पे देखा ये चीज, लेकिन अभी तक तो यहाँ कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं है। फरीदाबाद आपको दिखाएंगे, हालात दिखाएंगे, आपको कैसे हालात हैं वो दिखाएंगे। आप कहेंगे आज सौरभ भारद्वाज विशेष जूतों के साथ यहाँ है, दरअसल यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है। आप ये सोचें, पैदल कोई व्यक्ति इस सड़क को पार नहीं कर सकता है। आप देखें, पार कर सकते हैं आप इसको पैदल? बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे। आप कैसे, बहन जी आप कैसे पार करोगे इसको? भाई साहब कैसे करो, मैं तो खुद खड़ी देख रही हूँ कि कैसे करो। कैसे करेंगे? अब आप फरीदाबाद, अब आप देखें, ये विशेष जूतों के माध्यम से हम ये सब कर पा रहे हैं। ये देखें, ये भैया सब्जी लाते हैं, ये देखें इनके पैरों की हालत देख लें, इस गंदे पानी से इन्हें गुजरना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा कैसे पार करोगे इसको? अंकल अब तो मुश्किल है पार करना, अब देखते कैसे पार, पैर गंदे करने पड़ेंगे हमें। तो रोज यहीं से जाते हो आप? नहीं, आज आए हैं। आज आए हैं? हाँ। अच्छा, कभी कभी निकलना होता है इस रास्ते? हाँ, कभी कभी, कभी कभी निकलना। क्या नाम है बेटा आपका? अन्नु। अन्नु, और आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, अन्नु और आकांक्षा, छोटे बच्चे देख लें, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ। ये देखें, इस रास्ते से गुजरने का रास्ता नहीं है, मतलब आप ये देखें कि हाँ बहुत परेशान हैं आप जी। रिश्तेदार नहीं आते हैं, बात करेंगे उनसे, बात करेंगे उनसे जी। क्या नाम आपका? विमलेश है जी। विमलेश जी, हाँ जी, लगातार भरा रहता है? बिल्कुल भैया, कोई 6 महीने आ गए पानी भरे भरा है। अच्छा, मतलब ये केवल बारिश में नहीं है? नहीं, बारिश का नहीं है, बारिश का नहीं है, नालियों का आ रहा गंदा पानी, पोटी तक बहती है भैया। हम मैडम जी बहुत परेशान भैया, हम तो सच, हमारे तो रिश्तेदार भी नाम है बहन, कोई भी रिश्तेदार भी नहीं आते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में भरकर स्कूल छोड़कर आते हैं। और ये आप देखें, हम लोग पहुंचे हैं
बहुत अच्छा सुंदर नाम है बाल कल्याण पॉकेट, यही बाल कल्याण पॉकेट है सर? हैं? आगे आगे। आ, हाँ वो जहाँ टैंकर आगे, हाँ ये टैंकर खड़ा हुआ जहाँ पर, यही वाला स्कूल। अब तो 15 महीने भर से भरा हुआ है, कोई कुछ सुनाई नहीं होती कुछ। कर्मचारी खराब है यहाँ के, यहाँ का राजा जो खराब होगा प्रजा कैसे सही हो सकती है? जो ऊपर कर्मचारी है पावरफुल होना चाहिए, उसकी दाब पड़ेगी ना तो नीचे वाले अपने आप काम करेंगे। विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को अभी विधानसभा में उठाया। चेयरमैन हो, पहले चेयरमैन होता है ताकतवर होना चाहिए, उसका डंडा पड़ेगा तो सभासद भी सिर्फ काम करेंगे ना। नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो ताकतवर होना चाहिए, और आप देख सकते हैं, ये देखें लगातार महिलाओं को इस परेशानी से जूझना पड़ता है, पड़ोस में पानी भरा रहता है, बड़ी परेशानी होती है। मंदिर जाते हैं छींटे लगती हैं, नहा धो के घर से आते हैं, पूजा भी नहीं कर पाते ठीक ढंग से, और ऐसा ही भरा रहता है हमेशा, कोई मतलब ध्यान ही नहीं देता रास्तों पे। ऐसा ही भरा रहता है हमेशा और कोई रास्तों पर ध्यान नहीं देता है, पूरा मामला जो है वो विधानसभा में गूंज रहा है फरीदाबाद ये, और ये आप देख सकते हैं, ये देखें, जब विधानसभा में हल्ला मचा है तो आज नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कुछ पहुंचे हैं यहाँ टैंकर लेकर, और पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं, इस रास्ते से कैसे निकलना हो पाता होगा लोगों का, ये देख लें आप। कैसे इस रास्ते से निकलना हो पाता होगा और कहां कहां से लोग गुजर गुजर कर आते होंगे यहां इस रास्ते पर। अब हर व्यक्ति तो गमबूट नहीं पहन सकता, गमबूट 24 घंटे नहीं पहन कर रख सकता, शहर के हालात ऐसे हैं फरीदाबाद, ये देखें आप। बाल कल्याण पब्लिक हाई स्कूल, इससे भाई साहब कोई फायदा नहीं है, हमारे बिल्कुल नरक का जीवन बना दिया है। हाउ टैक्स हम दे रहे, डिप्लोमा चार्ज हम दे रहे, सब कुछ हम दे रहे, जो बता हमारे नरक की जिंदगी है कि हम कीड़े मकोड़े बना दिए यहाँ। कितने साल हो गए यहाँ, हमें इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ, बताओ कितने नरक बढ़ रहा है। निकलने के लिए जगह ही नहीं है, बच्चे भी मारे इतने, बेटी आवे या बहू बेटी आवे, ब्याह है शादी है मरण है जन्म है सब कुछ है, जब दो ईंट यहाँ घर में लगा रखी है कहाँ जाए। आज 50 लाख के मकान की 10 लाख रुपए नहीं मिल रहे हमें, रिश्तेदार भी आवे हमारे कड़ा आवे कहाँ जावा, हमें डूब की मरण कर रहा हो गया हमारा तो। हमारी छाती पर नरक बना दिया ये, ना पार्षद सुने ना विधायक सुने ना नगर निगम वाले सुनते, कोई नहीं सुन रहा हमारी। आज हमें कितने साल से बंद है, उसे तो खोलते नहीं है, और यहाँ भर भर के ले जाते हैं, दो ट्रैक्टर ले जाए 10 ट्रैक्टर लेते हैं, 10 टैंकर बता दिए, बताओ हम क्या। यहाँ मेन चीज है सीवर पाउंड रखे हुए, सीवरन की कोई मेंटेनेंस नहीं होती, ढक्कन नहीं ढके जा रहे, क्यों नहीं ढके जा रहे ढक्कन, क्यों नहीं मेंटेनेंस हो रही। डेली बच्चे गिरते हैं यहाँ पे, कल मैंने ही फोन करा था आप लोगों की, डेली बच्चे गिर रहे हैं यहाँ से, बड़े बूढ़ों को दिक्कत हो रही है और कोई सुनवाई नहीं करता। इतने परेशान है, इतने मारे ड्यूटी वाले बच्चे, हम तो इतने दुखी हो गए बहुत ज्यादा। दो सीवर भरे हुए हैं भाई साहब, दो सीवर यहाँ बतक वाले के यहाँ से, उन्हें खोल दो सारा पानी निकल जाए। वो खोलते क्यों नहीं है, ये इसको नहीं खोलते भाई, इन्हें भर के ले जाते हैं, यहाँ कमाई हो रही है, यहाँ कमाई हो रही है। जब एक टैंकर ले जाए तो 4 टैंकर लिखवा में, वहाँ भरे पड़े हैं, उनको खाली करवाए, खाली करवाए खाली हो जाए। ये प्रशासन ये चाह रहा है कि शायद इन लोगों के पास कोई महामारी आ जाएगी, और जिस दिन कोई बच्चा यहाँ इस सीवर में गिर के मर जाएगा उस दिन शायद ये काम करने के लिए आएंगे, उस दिन शायद इनकी आंख खुलेंगी। लेकिन हम लोगों ने भी एक पक्का इरादा कर लिया, इस कॉलोनी के लोगों ने, इन लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार नोटा पे ही बटन दबेगा, दूसरा नहीं दबेंगे, नोटा ही दबेगा सबका। जब यहाँ बेटी की शादी होती है तो बाकायदा मुख्यमंत्री को ट्वीट किया जाता है, तब जाके यहाँ कुछ, खुद मनोहर लाल जी ने खुद उस टाइम करवाया था काम, हम नहीं कहते कि उन्होंने नहीं करवाया। विधानसभा में गूंजा, बाल कल्याण पॉकेट की बात हो रही थी, विधायक बोल ही रहे थे, हमारे विधायक ने विधानसभा में ये चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये हमारी हालत देखो, हम दुर्लभ जीवन जी रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल में जाना मुश्किल हो रहा है,
बेटियों के अगर रिश्तेदार कोई आएगा तो नहीं आता, रिश्ता हमारी बेटियों का नहीं होता यहाँ, कि इस सिचुएशन में हम क्यों शादी करेंगे तुम्हारे यहाँ पे, घर से निकलने की जगह नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाने का कष्ट करें ताकि इन लोगों के समझ में आए, बड़े अधिकारी को यहाँ आने नहीं देते हैं कि ये देख ना ले कहीं। हाँ, हमारे कारपोरेशन की जो अभी चीफ आई है लेडीज, वो बहुत जी मोना ए श्रीनिवास जी अच्छी बताते हैं, हमने सुना है कि वो कहे हुए काम जो वो देख लेगी अगर इतना गंदा है तो मुझे विश्वास है कि अगर वो एक बार आके देख ले तो हमारा समाधान हो सकता है। हम उसी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये बात उस तक पहुँच जाती है, मोना जी है तो उनसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऊपर ये रहम आप कर दो, हम आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। अभी बात की इन गुड़िया से, इनसे भी बात की, अभी अभी की थी ना आपसे, अभी बात की थी, अपाहिज बैठे हैं वो यहाँ से गुजर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। मंदिर है यहाँ कोई? हाँ जी, ये मंदिर है, इसी पानी में से गुजरना पड़ता है। हाँ जी, यहीं से गुजरना पड़ता है। सावन का पवित्र सोमवार है और इसी गंदे पानी में से गुजर कर जलाभिषेक के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये देख सकते हैं आप, और ये देखें ये देखें, दिव्यांग है हमारे साथ, क्या नाम आपका? पूरन चंद यादव, मैं एक विकलांग हूँ। इतना दुर्भर दीना हो गया है कि 4 साल से हमारी आंखें बड़ी दुखी हैं। 4 साल से इस राज में हमें क्या मिला? हमें ये सेवा मिली जो हम घर से नहीं निकल सकते हैं, हमारी गाड़ियां डैमेज हो गई, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान सब की चीज, और दम घुटता है वो अलग, बदबू तो रहती है। व्रत रखे हैं, आज के दिन भी हमें इस नरक में जीना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? माँ हकों का हनन क्यों कर रहे हैं ये लोग? हकों का हनन क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद, और आपको दिखा रहे हैं इस शहर के हालात, वो हालात जो विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में चंडीगढ़ तक सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आ गए हैं नगर निगम वाले, आ गए हैं पानी भर के ले जाने के लिए। भैया ये पानी भर के ले जा क्या रहे हैं, ये भर फिर एक घंटा में भर जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर रहते हो, 1 दिन आते हैं लेने के लिए। हम तो इसी नरक में जी रहे हैं ना, खुद अगर नेताजी इसी नरक में जी के तो देखे कैसे जिए जाते हैं। हमारे तो सारी पार्षद ऐसी तैसी करा डाला, जब तो वोट लेने के लिए तो अपनी माँ बहनों बेच के आया यहाँ पर, और अब नहीं बेच रहे अपनी माँ बहनों को, अभी भी तो बेचनी चाहिए। पब्लिक कैसे जी रहा है 5 साल से, 5 साल से कोई किसी ने झांका नहीं, जिसने आए उसने हाथ खड़े कर दिए, वोट लेने के लिए हाथ खड़े नहीं करे, वोट लेने के लिए इतनी दुर्गति कर रखे कि सबके घरन घरन में घुस घुस के वोट ले, और अब कोई झांकने नहीं आ रहे। ये पानी सारी कीड़े अंदर जा रहे हैं कमरे में, कौन रहेगा इस ऐसे में? मकानों की ऐसी तैसी करा दी है इन लोगों ने, मकानों की ऐसी तैसी हो गई है, लाखों रुपए के मकान प्रॉपर्टी कौड़ी की हो गई है। चलिए वो भी छोड़ दें, वो तो आदमी घर बनाता है रहने के लिए, लेकिन यहाँ यहाँ के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं फरीदाबाद जी। क्या नाम आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी, रंजीत जी तो, कौन रहा यहाँ पार्षद? सर यहाँ पार्षद ललिता यादव थी, अपनी लड़ाई के चक्कर में उसने यहाँ पे काम नहीं होने दिया कि एक भी ईंट लगाई हो इस वार्ड में, तो मैं कह दूं वार्ड 5 में एक भी ईंट उस बंदी ने लगाई है। यहाँ का नरक उसने लड़ाई झगड़े में यहाँ का तहस नहस मार दिया इस वार्ड का। आज ये हाल है कि छोटे छोटे यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, और फिर उम्मीद रखते हैं कि हम दोबारा पार्षद बनेंगे। क्या ऐसे गंदे पानी में लोग तहर के क्या दोबारा इसको वोट देंगे? कोई वोट नहीं देगा, ये भूल जाएं कि ये दोबारा पार्षद बने। इनको अगर 50 वोट भी डल जाए तो भी बहादुरी है इनके लिए, मगर ऐसे नरक में हमारा जीना दुश्वार हो रखा है। हमारी सुनवाई हो, लैट्रिन बाथरूम के पानी में डेली बच्चे निकलते हैं, डेली परेशान। हमारी मेरी छोटी गुड़िया की तबीयत इतनी खराब हो गई है, हद से ज्यादा नहीं, बहुत गंदा हाल हो रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं फरीदाबाद आप। छोटे छोटे बच्चे, ये भी दिखा दें थोड़ा सा जी, और हालात दिखा रहे हैं फरीदाबाद आज आपको। बाल कल्याण पॉकेट जो बार बार विधानसभा में गूंजता है जो मसला, वो दिखा रहे हैं आपको जी। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है सर,
क्या करें, ये देखो इतना नरक है पूरा कि बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं वो तो, अब पब्लिक इतना जाने आने में इतनी दुखी है। दो बार तीन बार मिलवा गिरवाया यहाँ पर, गंदे में बाल्टी रख के पानी भरवाने पड़ते हैं, पानी भी नहीं आ रहा। और इधर नीरज शर्मा है, उधर ललिता यादव है, कोई सुनाई नहीं है। दो दिन पहले विधायक नीरज शर्मा ने इस मसले को विधानसभा में भी उठाया, बोला कि बाल कल्याण पॉकेट में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देख लो ना, बिल्कुल आप देख लो। मंदिर से लौटी हैं आप? जी बात करेंगे, आप मंदिर से आई हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल निकलने रास्ता सारा लटन लटन बह रही है, गेट के आगे भी बिल्कुल रास्ता नहीं है। सावन का पवित्र सोमवार है और भोले बाबा को जल अभिषेक करके आई है। क्या नाम आपका? शारदा। वो ऐसे में रहते हैं क्या गंदगाई में? गंदगाई में एक बार रह के देखा, लिखर के देखे कैसे लिखरती है, हद हो गई, दुनिया भर नरक भर रहा है सारे में। जी नमस्ते। मीडिया वाले आते हैं, आके बना के देख के चले जाते हैं, कुछ भी समाधान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे, क्या नाम आपका? मेरा प्रियंका नाम है। प्रियंका जी, कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हमारा काम है आवाज लगाना, तो हम आवाज लगाते रहते हैं। सर आवाज ऐसी भी तो लगाओ जो प्रधानमंत्री तक भी तो पहुंचनी चाहिए। देखो कैसे नरक में रह रहे हैं, वो चांद पे झंडा लहरा रहे हैं और यहाँ हम ऐसे नरक में रह रहे हैं, तो क्या फायदा हमारा ऐसे देश में रहने का? मुझे बताओ, जब नरक में ही रहना है हमें तो क्या फायदा उस चांद पे झंडा लहराने का, मुझे ये बताओ। हाँ क्या फायदा है उस चांद पर झंडा फहराने का, जब हम ऐसे नारकीय जीवन को जी रहे हैं, आम लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी नमस्कार। हमें भैया 3 साल हो गए हैं ऐसी गंद में रहते रहते, बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? सीएम तक से सब मेल डाल के देख रहे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। बताओ इससे हमें कह दो भाई, यहाँ से मकान बेच के चले जाएं। पर मकान भी तो नहीं खरीद रहा कोई, यहाँ मकान भी नहीं कोई खरीद रहा भाई, हमसे कह दो हम मकान खाली कर, यहाँ से कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम चले जाएंगे। 3 साल हो गए आज। 3 साल हो गए हैं, ऐसे भी दिखाएं? अभी दिखाते हैं जी, हमारी पूरी गली देखो ना, गली में देखो क्या हाल हो रहा है सारे में, पूरा वहीं से दिखाते आ रहे हैं। माता जी हम तो पूरा आज इस व्यवस्था में हैं। मकान डूबा पड़ा है, हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पता है कैसे स्कूल ले जाते हैं हम, इतना इतना पानी भर जाता है उसमें, बच्चे लेके आते उसमें लेके जाते हैं। हाँ ये बताओ कितनी बार हम ललिता यादव जी के पास, नीरज शर्मा जी खुद आके यहाँ पे चले गए, क्या उन्हें सरकार पैसे नहीं देती यहाँ का रोड बनवाने के लिए? जो नीरज शर्मा हैं अभी, वो 2 दिन पहले विधानसभा में भी बोले हैं इसी मामले में कि बाल कल्याण पॉकेट का आप देखें, सीएम साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो बहुत खराब हालात हैं। ये बारिश का पानी नहीं है, ये सीवरों का पानी है, अभी लोग बाग नहाते हैं सब काम करते हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर ये टैंकर बुलवा के खिंचवा लेते हैं, अभी 2 दिन पहले खिंचा था साफ हो गया, फिर भर गया, ये कब? ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, थोड़ी नहीं है, नहीं आप भी जानते हो थोड़ी नहीं है, इसका जब ये बनेगा कुछ होगा तभी तो होगा। ये बताओ ऐसे रहना पसंद करेगा? घर है रद्दी के हिसाब से बैठ दो तो बिक जाएगा रद्दियों के हिसाब से, वरना ये घरों की तो कोई देखना पसंद नहीं करता। हमें पता है ना हम कैसे रह रहे हैं इस नरक में, इस मोहल्ले में कोई आना पसंद नहीं करता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और बिल्कुल उसी इलाके में हम लोग पहुंचे हैं जो इलाका हरियाणा की विधानसभा में गूंज रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ स्थितियां, देख सकते हैं बाल कल्याण पॉकेट बड़ा हल्ला होता है इसका, बार बार हल्ला होता है, और यहाँ भी देख लें आप, यहाँ भी नालियां। नमस्कार जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ यही ऐसा ही रहता है यहाँ, ये तो अब ऐसा ही है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वोट लेने के लिए तो सब है समझे, और ये है नरक है। नरक है, वोट लेने के लिए सब हैं और ये नरक है, यहाँ देख सकते हैं। मोदी हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं कि मैं तो ये कर दिया ये कर दिया, ये जब से ये आया झूठ के सिवा सच नाम की चीज है ही नहीं, ये झूठ के सिवा खाली प्रोपेगंडा बना करके सरकार को मतलब देश को गुमराह कर रहे हैं कि मैं तो ये कर दिया, देश वहाँ जा रहा, गरीब जो है और गरीबी रेखा से नीचे जा रहा, गरीबों के खून चूस करके धनी वर्गों के जा रहे, धनी वर्ग बढ़ रहे हैं, गरीबी वही कोई नहीं है।
क्या शुभ नाम आपका? हाँ, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है राम मूरत तिवारी। तो आप देख सकते हैं नगर निगम का ये जो टैंकर है, ये अपना काम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए पैसा लेते हैं। अच्छा। पैसा दोगे तो करेंगे, फ्री का कोई करने वाला बेटा नहीं पैदा हुआ। अब वो नहीं तो पैसा किससे? नगर निगम से लेते होंगे पैसा। अरे आप जनता से लेंगे, ये सब देंगे, कहे नहीं निकाल देते, जब कोई पैसा देगा तो करेंगे। अच्छा, मतलब ये पैसा लेते हैं? ये सब लेते हैं, भ्रष्टाचार है देश का। दूसरे को कहेंगे भ्रष्टाचार है और खुद भ्रष्टाचार है, सरकार है। नगर निगम में कोई पूछने वाला नहीं है। देखा क्या है? देखा आप घूमा, यह सारे है। कुछ नहीं हो सकता। मंदिर से आए हैं आप? मंदिर से आ रहे हैं जी, किचन में घुस कर करके देख बाबा को जलाभिषेक करके क्या कर रहे हैं अब? इस कंडीशन है भोले दा पूरे कीचड़ में। शंकर जी के भाई, शंकर जी का तो पूजा करनी पड़ेगी ना। धर्म का मतलब है कि आप सनातन से दूर नहीं हो सकते। हमारा सनातन धर्म है, हम चाहे गंदगी में रहेंगे तब भी उनके पास जाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही, तो श्रद्धा है, श्रद्धा पहले है। कितना भी नदी नाले जाना पड़े जाएंगे, श्रद्धा पहले है। पहले ईश्वर है, उसके बाद कुछ है, सब कुछ है। यहाँ कहते हैं सालों साल से यहाँ तो कोई समाधान, तो हम लोग थक गए। इसके लिए कोई व्रत नहीं रखते हैं कि ये आज तपस्या कर दी, आज का जो फल है वो फल इसको मिले कि ये गली ठीक हो जाए? ठीक हो जाए तो ये वो शंकर भगवान थोड़े यहाँ पर ठीक करने के लिए। ये जो सारे बैठे पड़े हैं नेता लोग सारे, उनकी सारी कारी है। ये सब तो बोलते रहे सारे इलेक्शन के चक्कर में रुके पड़े सब। ये इलेक्शन होंगे तब काम करेंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो ऐसे रहने दो जी। तब कोई नहीं, तो सारी राजनीति चल रही यहाँ पे, तो आप कोई नहीं सुनेंगे। जब वोट को होगा तब गली गली में घर घर जाएंगे। अरे तू कैसे भाई, बीजेपी है देश बढ़ाएगा। अरे सारे सत्यानाश तो कर दिए, इसने छोड़ा क्या है देश को गुमराह करके। देखो क्या हो रहा है, दिखाओ जरा से, सब चल रहा है। बताओ उनको, इन्हीं रास्तों से गुजरकर लोगों को अपने घरों में जाना पड़ता है, पूजा पाठ के लिए जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, बाजार हाट जाना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं अपने काम धंधे पर निकलते हैं इसी रास्ते से, सुबह सुबह घर से निकलते होंगे, इसी रास्ते से निकलते होंगे लोग, तो लोगों को महसूस होता होगा ये गंदगी उनका पूरे दिन के लिए मूड ऑफ कर देता होगा। और शाम को जब वापस लौटते होंगे इन्हीं रास्तों से अपने घर, तो घर में आकर भी वही चिड़चिड़ापन इन लोगों पर लगातार तारी रहा होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।